टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने पलट दिया टेस्ट क्रिकेट का पूरा इतिहास। सिर पर कफन बांधकर जंग के मैदान में उतरे थे रोहित शर्मा और जायसवाल। दोनों भाइयों ने मिलकर मचाई तबाही। आग का गोला बनाकर यशस्वी जायसवाल ने दिखाया अपना जंगली अवतार। चौकों की हैट्रिक से बांग्लादेश को किया बर्बाद। कांप गया पूरा क्रिकेट जगत। पहली ही गेंद पर आसमान को चीरते हुए रोहित शर्मा ने मारा ऐसा लंबा छक्का, हिल गया पूरा कानपुर का स्टेडियम, टूट गए कई सारे महारिकॉर्ड। एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर। टीम इंडिया के इन दो भाइयों की जोड़ी ने पहली बार क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ऐसा आतंक मचाया अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कि विरोधी टीम के सभी गेंदबाज चलते मैच के दौरान ही इन दोनों खिलाड़ियों के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। बड़ा भाई रोहित शर्मा जहाँ पहली ही गेंद से लंबे लंबे छक्का मार रहा था, तो वहीं पर छोटा भाई यशस्वी जायसवाल तो रोहित शर्मा से भी दो कदम आगे निकलता है। रोहित शर्मा भी आज सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे और बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की इस तरह से दर्दनाक तरीके से पिटाई करने का काम करते हैं कि आज पूरे क्रिकेट जगत में रोहित शर्मा के ही चर्चे किए जा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा 150 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के एकमात्र ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इस सफ़ेद जर्सी वाले खेल में लगातार पहली और दूसरी गेंद पर छक्का मारने का काम कर दिए हैं। आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर पाया था। तो जो बांग्लादेशी गेंदबाज आज से एक महीने पहले पाकिस्तान की धरती पर अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिए थे, वही बांग्लादेशी गेंदबाज आज कानपुर की धरती पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के तूफानी अंदाज के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तो पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। गौतम गंभीर ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को साफ संदेश देकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर भेजे थे कि आज तुम दोनों को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से पलट देना है। और टीम इंडिया के इन दो भाइयों की जोड़ी ने अपनी घातक बल्लेबाजी से गेंद के धागे खुलते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए 3 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों से ज़्यादा पहुँचा दिए थे, जिसको देखने के बाद कानपुर के सभी दर्शक हैरान रह गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह टेस्ट मैच चल रहा है या फिर T20 मैच चल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के यह दोनों बब्बर शेर जिस तरह से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखने के बाद आज पूरा क्रिकेट जगत भी हैरान है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो परेशान हो गए हैं कि टीम इंडिया के यह दोनों बब्बर शेर अगर इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी आने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में तबाही मचाएंगे तो उनके गेंदबाजों का हाल बेहाल हो जाएगा। हालांकि यशस्वी जायसवाल के बड़े भाई रोहित शर्मा ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और रोहित शर्मा सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए 23 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। मगर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद रोहित शर्मा के छोटे भाई यशस्वी जायसवाल का आतंक जारी होता है और यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए लगातार गेंद के धागे खोलते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों का बुरा हाल कर देते हैं। यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले को T20 बना दिए थे। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 51 गेंदों का सामना करते हुए 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, KL राहुल और शुभमन गिल भी गेंद के धागे खोलने का काम करते हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से ही टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 150 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट की ऐसी पहली टीम बन गई है जिन्होंने टेस्ट के फॉर्मेट में सबसे तेज 50 रन, 100 रन, 150 रन, 200 रन और 250 रन किसी एक ही मैच में बनाने का महारिकॉर्ड बना दी है। दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल कानपुर टेस्ट में जिस तरह से टीम इंडिया को तूफानी अंदाज में शुरुआत देने का काम करते हैं उसको देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।